साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल हाटा बैट्स क्लब में गाय भैंस बैठ गई है खड़ी नहीं हो पा रही है खासकर एच एफ गायों में यह समस्या अभी दिखाई दे रही है कई पशु मालिक मुझे कॉल कर रहे हैं मुझे वीडियो भेज रहे हैं वह बता रहे हैं कि सर हमारी गाय पिछले तीन दिन से खड़ी नहीं हो रही कोई बोल रहा है पिछले दस दिन से मेरी गाय भैंस खड़ी नहीं हो रही हमें क्या करना चाहिए खास करके जो गाय भैंस पिछले पैरों से खड़ी नहीं हो पाती है उसका हमें क्या उपचार करना चाहिए कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए पशु मालिक का कहना है कि इसको हमने कैल्शियम भी चढ़वा लिया है बोतलें भी लगवा ली लेकिन फिर भी ये गाय भैंस खड़ी नहीं हो रही है तो दोस्तों अब आप मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं उससे पहले आप एक काम जरूर कर लेना जिस पशु मालिक की भी गाय भैंस बैठ गई है खड़ी नहीं हो पा रही आप कहीं पर भी जाकर उसकी एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना ताकि हमें वहां पर आसानी से पता लग जाए कि इसके शरीर में किस विटामिन की डेफिशिएंसी हुई है क्या यहाँ पर कोई फास्फोरस की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है हमें यदि वहां पर से प्रॉपर पता लग जाता है तो हम अपनी गाय भैंस को आसानी से खड़ी कर सकते हैं लेकिन फिर भी यदि आपके वहां पर कोई लेब नहीं हो जाँच करने की आपके पास सुविधा नहीं हो जांच करने की तो आप क्या करें वहां पर जो भी आपकी गाय बीज नीचे बैठ गई है उसको आप डी एन एस एक लीटर और एक लीटर आर एल सुबह शाम दीजिए तीन से चार दिन तक आप इसको साढ़े चार सौ एम एल एक बार सीबीजीबी आई भी दे सकते हैं न्यूरोकाइंड का इंजेक्शन पंद्रह पंद्रह एम एल लगातार दो से तीन दिन तक ट्राइबेट का इंजेक्शन पंद्रह पंद्रह एम एल लगातार दो से तीन दिन तक आप इसमें टोटनोफॉस्पन का इंजेक्शन लगातार बीस बीस एम एल दो से तीन दिन तक दीजिए एक बार आप यहाँ पर डेक्सोना इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स मैंने जो बताया आप यह इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं यह वह दवा है जो आपके गाय भैंस को खड़ी करने में बहुत ही ज्यादा सहायता देगी यदि यह ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपकी गाय भैंस खड़ी नहीं होती है तो साथियों आपको फिर ब्लड टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू